Hello students, today we are going to start the chemical reaction of aldehyde and ketones from the chapter aldehyde, ketones and carboxylic acid. Student, previous video lecture में हम लोगों ने chemical properties start किया था, chemical reaction start किया था, जिसमें हम लोगों ने जो chemical reaction की main characteristics reaction है, nucleophilic addition reaction पढ़ा था. इसमें दो point हम लोगों ने कल discuss किया कि nucleophilic addition reaction की mechanism क्या होती है और इसमें रिएक्टिविटी आप कैसे देखेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की. ये दो पॉइंट डिस्कस करने के बाद आज हम लोग स्टूडेंट सम एडिशन सम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. कुछ एग्जांपल देखेंगे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड. हाइड्रोजन साइनाइड एल्डिहाइड और कीटोन के साथ किस तरीके से ऐड होता है. ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड में आप दो रीजेंट को याद रखें. इसमें कौन कौन से रीजेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो दोनों रीजेंट के बारे में हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं. इसमें जो रीजेंट यूज होने वाले हैं, इसमें फर्स्ट रीजेंट यूज होगा स्टूडेंट सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, ये रीजेंट यूज होगा. और सेकेंड जो इसमें रीजेंट यूज होगा वो रहेगा स्टूडेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड जब हम लोग यूज करेंगे इसमें दो टाइप के ये रिएजेंट यूज होंगे. तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में HCl ऐड करते हैं. इसका एक जनरल फॉर्म देखते हैं, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा. तो स्टूडेंट ये कार्बोनाइल ग्रुप होगा, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है कीटोन भी हो सकता है. अभी हम जनरल फॉर्म ले रहे हैं इसका. तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें हम लोग सोडियम साइनाइड को ऐड करते हैं. ठीक है, इसमें हम लोग सोडियम साइनाइड फर्स्ट रिएजेंट यूज हो रहा है वो है सोडियम साइनाइड, ये हमने यूज किया. स्टूडेंट आप जानते हो कार्बोनाइल ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है स्टूडेंट वो आप देखिएगा, जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है वो है स्टूडेंट Cl. ठीक है, Cl के पास निगेटिव चार्ज होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है. ठीक है, तो जब ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो ये बनाएगा C के साथ ये बॉन्ड है, और इस कार्बन के साथ आ रहा है नाइट्रोजन CN आ रहा है, प्लस के साथ ये CN माइनस आ रहा है, और ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड बचा और इसके पास है स्टूडेंट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और उस नेगेटिव के पास आएगा स्टूडेंट सोडियम. ठीक है, और नेगेटिव के पास क्या आ रहा है स्टूडेंट Na प्लस आ रहा है, सोडियम आ रहा है. देन हम इसकी हम HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा सोडियम की जगह पे हाइड्रोजन चला जाएगा और ये NaCl या एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा स्टूडेंट NaCl, और यहाँ पे आपको मिल रहा है OH एंड Cl. तो स्टूडेंट कार्बोनाइल वाले कार्बन के साथ अगर OH और Cl आता है, Cl आ रहा है साइनो, Cl मींस होता है साइनो, और OH आ रहा है ये होगा हाइड्रिन का फॉर्म, तो ये साइनोहाइड्रिन फॉर्म करता है. ये एल्डिहाइड एंड कीटोन प्लस हाइड्रोजन साइनाइड, फाइनली हाइड्रोजन और साइनाइड ही ऐड हो रहा है, इसलिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इसको बोलते हैं. बट इसमें ये दोनों रिएजेंट रिक्वायर्ड होते हैं, इसका जनरल फॉर्म हमने बता दिया है और इसका कुछ एग्जांपल लेकर के हम बता देते हैं कि इसमें एडिशन किस तरीके से होगा. ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग इसमें कुछ एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन लेकर के एडिशन रिएक्शन बता देते हैं. जैसे स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे अगर आपके पास कीटोन है लाइक एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये एसीटोन के साथ अगर KCN सपोज करो KCN रिएक्शन कर रहा है, तो आप जानते हैं स्टूडेंट सबसे पहले बॉन्ड की ये ब्रेकिंग होगी और यहाँ पे आएगा प्लस, इस प्लस के पास CN की अटैकिंग होगी CN माइनस की, तो यहाँ से आपको मिलेगा CH3 C और इस कार्बन के साथ आ रहा है स्टूडेंट CN, इस कार्बन के साथ CH3 अटैच है, O नेगेटिव आया है, O नेगेटिव के साथ स्टूडेंट आएगा K. ठीक है, उसके बाद हम इसमें सेकंड रीजेंट जो यूज करते हैं HCl है, वो HCl में क्या होगा H जो है ये K की जगह पे आएगा, और आपका जो बाय प्रोडक्ट इसमें मिलेगा वो मिलेगा KCl, और आपका मेन प्रोडक्ट ये साइनोहाइड्रिन का पार्ट आ जाएगा, एक ही कार्बन के साथ कार्बोनाइल वाले कार्बन के साथ CN और OH ग्रुप अटैच होगा, ये कीटोन का फॉर्म है. कीटोन
प्लस HCl की रिएक्शन से ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ऐसे स्टूडेंट अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH लेते हैं, एल्डिहाइड का केस सपोज करो, इसमें स्टूडेंट हम लोग NaCN ये फर्स्ट रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग इस टाइप से होगी और CN जो है स्टूडेंट कार्बन के साथ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा CN H एंड O एंड A, फिर आप HCl के साथ इसमें रिएक्शन करवाएंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा साइनोहाइड्रिन का फॉर्म COH CN एंड H, ये आपको साइनोहाइड्रिन का फॉर्म मिलेगा। और यहाँ से जो आपको बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है NaCl, बिकॉज Na एंड Cl ये बच रहा है, यही रिएक्शन करेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। सेकेंड एग्जाम्पल इसका देखते हैं, स्टूडेंट नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। आप एल्डिहाइड और कीटोन की सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे। इसका सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म में आपको ये कार्बोनाइल ग्रुप मिलेगा, आप जानते हो कार्बोनाइल ग्रुप, ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। जब इसकी हम लोग सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम जो कि पॉजिटिव होता है, ठीक है, OSO2H, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्म हो गया, O पे स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जानते हो स्टूडेंट की ब्रेकिंग जो होगी कार्बोनाइल कंपाउंड की वो इस टाइप से होगी, कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर आता है स्टूडेंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये प्लस वाला पार्ट जाएगा स्टूडेंट ऑक्सीजन के पास, तो ये आपको जो मिलेगा। हाँ स्टूडेंट, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इससे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड जो देखा था वो भी आप रिवर्सिबल रिएक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये मिलेगा ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस ऑक्सीजन निगेटिव के पास जा रहा है ये सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, ये सोडियम पॉजिटिव जा रहा है और इस कार्बन पॉजिटिव के पास ओ माइनस वाला ये पूरा पार्ट आ रहा है, ऑक्सीजन के पास सॉरी कार्बन के पास ये आ रहा है ओ एस ओ टू एच वाला ये पार्ट आ रहा है। उसके बाद इसमें क्या होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, जो ये प्रोटॉन है इस सोडियम से ट्रांसफर हो जाएगा, आप इसको प्रोटॉन ट्रांसफर बोल सकते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है स्टूडेंट। इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होकर के क्या बनाएगा देखना, कि सोडियम की जगह पे हाइड्रोजन चला जाएगा और हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम आ जाएगा, ठीक है, तो यहां से आपको ये मिलेगा प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है OH और यहां पे OSO2Na, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो बाईसल्फाइड होता है स्टूडेंट, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो कि क्रिस्टल फॉर्म करता है स्टूडेंट, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, क्रिस्टलाइन ये क्रिस्टल फॉर्म करता है, क्रिस्टल क्रिस्टलाइन होगा, क्रिस्टलाइन होता है, इसके क्रिस्टल बनते हैं, ये आप प्रैक्टिकल में भी इसको देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया, जिसमें आपने कार्बोनाइल लिया, उसकी आपने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा दी और उसमें कार्बोनाइल ग्रुप के बॉन्ड को ब्रेक करके पॉजिटिव वाले पार्ट को निगेटिव के साथ और निगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करवा करके ये एडक्ट बनाया। एडक्ट बनने के बाद आपने क्या किया, जस्ट प्रोटॉन का ट्रांसफर कर दिया, प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद आपको मेन प्रोडक्ट जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म का बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें स्टूडेंट एक आप कीटोन का एग्जांपल देख लीजिए और बाकी एल्डिहाइड का आप खुद से करिएगा, ट्राई करिएगा। जैसे हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे ले रहे हैं एसीटोन CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, एक सिंपल सा एसीटोन ले ले रहे हैं। इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को Na प्लस OSO2H, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ओ माइनस हो गया स्टूडेंट, इसको ऐड कर रहे हैं जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है,
इसमें वही काम, कार्बोनाइल का बॉन्ड ब्रेक होगा निगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। निगेटिव के पास सोडियम चला गया CH3O NA। अब इस CH3 को हम नीचे अगर कर दें इस टाइप से, तो इस प्लस के पास ये निगेटिव वाला पार्ट अटैच हो रहा है OSO2H, देन फाइनली क्या होगा आपका, ये प्रोटॉन ट्रांसफर होगा स्टूडेंट, H प्लस का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा सोडियम से, तो आपको जो मिलेगा वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म का एक एडक्ट मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट OH एंड OSO2 NA, ये आपका क्रिस्टल मिलेगा इसी कंपाउंड का, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये आप लोग देखिए। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड एजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। स्टूडेंट आप जानते हो ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है, आपने पहले भी इसको पढ़ा है, RMGX का फॉर्म होता है, RMGX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ये होता है, या आप इसको अराइल मैग्नीशियम हैलाइड भी बोल सकते हैं, ये अल्काइल और अराइल के फॉर्म में होगा ग्रिग्नार्ड एजेंट, इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट बोलते हैं। अब इस ग्रिग्नार्ड एजेंट की हम लोग को रिएक्शन करवानी है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, तो सबसे पहले एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं इसका। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट, अगर आप कोई भी कार्बोनाइल लेंगे, इस कार्बोनाइल के साथ हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन करवाएंगे, RMGX के साथ रिएक्शन करवाएंगे। RMGX की स्प्लिटिंग कैसे होती है स्टूडेंट, मैग्नीशियम मेटल है इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अल्काइल का पार्ट ये निगेटिव होगा इस केस में, और कार्बोनाइल की बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे, ऑक्सीजन के पास निगेटिव और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। स्टूडेंट कार्बन के पास तो जा रहा है अल्काइल ग्रुप आर जा रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास जा रहा है स्टूडेंट, ऑक्सीजन के पास जा रहा है OMGX जा रहा है। फाइनली हम इसकी स्टूडेंट HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर आएगा निगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर आएगा पॉजिटिव, और इस केस में H होता है पॉजिटिव, H चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास, और ये है R, और आपको जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा Mg के साथ एक X है, और Mg के साथ ये Cl- माइनस में जा रहा है, तो ये एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स ग्रिग्नार्ड एजेंट और एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो वहां पे एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही होता है फाइनली। तो स्टूडेंट अगर आपको पहले बताया था कि अगर आप कोई भी कीटोन लेंगे तो उसमें 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, जैसे आपके पास एक सिंपल कीटोन है, कीटोन ये आपने एल्कोहल वाले पार्ट में भी पढ़ा है इस चीज को, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप कीटोन अगर कोई भी लेंगे लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड हो CH3, हम कीटोन के साथ ही जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, एल्डिहाइड का एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। CH3 MgCl, सपोज करो हमने ग्रिग्नार्ड एजेंट कुछ इस टाइप का लिया है, अब यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग आप करेंगे सिंपली इस टाइप से, इसकी बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और यहाँ पे जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, अल्काइल का पार्ट स्टूडेंट होता है निगेटिव और मैग्नीशियम का पार्ट होता है पॉजिटिव, निगेटिव वाला पार्ट जाएगा इस कार्बन के पास, कार्बोनाइल कार्बन के पास, तो यहां से आपको मिलेगा स्टूडेंट CH3 CO निगेटिव के पास जा रहा है ये MgCl, और इसके साथ CH3 है और यहाँ पे जा रहा है CH3, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना होता है, इसमें आप इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवा दो या एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही करवा दो, तो इसमें क्या होगा, O निगेटिव और Mg पॉजिटिव वाला पार्ट ये ऐसे ब्रेक होगा, Mg पॉजिटिव के पास ये Cl निगेटिव जाएगा, तो यहां से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा Mg, Mg के साथ 2 क्लोरीन अटैच हो जाएगा, एक
क्लोरीन ऑलरेडी है और ये वाला क्लोरीन जा रहा है। ओ नेगेटिव के पास ये एच चला जाएगा तो आपका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो टर्शियरी एल्कोहल बनेगा, मींस 3 डिग्री एल्कोहल ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, कार्बोनाइल कंपाउंड की ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन होगी, देन उसका एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको एल्कोहल मिलेगा। अगर आपके पास कीटोन है तो वहां से 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कुछ एग्जांपल अभी बताया है, और भी इसमें पढ़ने हैं जैसे रिएक्शन विद एल्कोहल एंड रिएक्शन विद अमोनिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।